तो यारो देखो, मैं कई दिनों से बैठकर अपना असाइनमेंट पूरा करने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे सुबह में कि मेरे सीनियर्स चले आते हैं जो कि मुझे अपना असाइनमेंट करने के लिए मुझे दे देते हैं। और तुम लोग जैसा सोच ही सकते हो कि मैंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि मैंने उनका काम को एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, बट इसी के पीछे कई सारी अपडेट निकल के सामने चली आई जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएसपी पे कौन सी कोरियन ड्रामा रिलीज होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं अपने पहले अप टू डेट की तरफ। मैंने 5-6 महीने पहले तुम लोगों को बताया था कि एमएसपीआर ने लॉलेस लॉयर की राइट्स को खरीदा था। अब उनके डबर से कांटेक्ट करने पे मुझे पता चला है कि इस ड्रामा की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इसे एमएसपीआर पे 1-2 महीने में रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे इस ड्रामा में करीब 16 एपिसोड देखने को मिलने वाला है और ये ड्रामा क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री पे बेस्ड होने वाली है और मुझे ऐसे ड्रामा खासकर बहुत ज्यादा पसंद है। अगली अप टू डेट है लूका नाम की एक कोरियन ड्रामा के बारे में जो कि साउथ कोरिया में काफी बड़ी हिट हुई थी। यह ड्रामा एक्शन थ्रिलर और साइंस फिक्शन पे बेस्ड होने वाली है जिसमें करीब 12 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं और हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे 15 मिनट के आसपास रखी जाएगी। और इस ड्रामा की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये ड्रामा 1-2 महीने के अंदर में जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिया जाएगा। से एमएसपीआर के साथ बहुत खुश हो रहा है, इसलिए बहुत ही कम चांस है कि ये ड्रामा एमएसपीआर भी देखने को मिलने वाला है। अगली अप टू डेट है माय साई बॉस के बारे में जिसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस ड्रामा की भी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये ड्रामा 1-2 महीने के अंदर एमएसपीआर पे रिलीज कर दिया जाएगा। अगली अप टू डेट है नेटफ्लिक्स के बारे में। देखो नेटफ्लिक्स पर ब्लड हॉर्न्स नाम की एक कोरियन ड्रामा को रिलीज किया जाएगा। इसके टीजर को हिंदी लैंग्वेज के साथ भी रिलीज कर दिया गया है और ये ड्रामा एक्शन थ्रिलर क्राइम पे बेस्ड होने वाली है जिसमें करीब 8 एपिसोड देखने को मिलने वाला है और हर एपिसोड की लेंथ को 1 घंटे के आसपास रखी जाएगी और यह ड्रामा नेटफ्लिक्स पर 9 जून को रिलीज किया जाएगा। देखो नेटफ्लिक्स सच में काफी सारे ड्रामा को हिंदी लैंग्वेज के साथ ला रहा है, लेकिन मेरा एक शिकायत नेटफ्लिक्स से ये है कि पहले हमें कोरियन ड्रामा के 16 एपिसोड हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाते थे और वो 16 एपिसोड में ही कोरियन ड्रामा की स्टोरी को कंप्लीट कर दिया जाता था। लेकिन जब से नेटफ्लिक्स ने साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंट किया है तब से यहाँ पे प्रॉब्लम ये चली आई है कि जब भी नेटफ्लिक्स किसी ड्रामा में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ड्रामा को सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 करने लगता है, जो कि सबसे गलत बात है क्योंकि ऐसे करके हमें एक ड्रामा देखने में करीब 4 साल लग जाते हैं। तो अगले अप टू डेट के बारे में बात कर ले तो डार्क होल नाम के एक कोरियन ड्रामा जिसे 2021 में रिलीज किया गया था और ये एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर पे बेस्ड है जिसमें करीब 12 एपिसोड देखने को मिलने वाला है और इस ड्रामा का भी हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ तक मुझे पता चला है तो इस ड्रामा की डबिंग पे काफी सारे पैसे खर्च किए गए हैं, यानी कि इसकी डबिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसे इस ड्रामा को जियो सिनेमा पे 1-2 महीने में रिलीज किया जाएगा और हो सकता है तो भविष्य में एमएसपीआर पे शायद ही देखने को मिल जाए। अब अगले अप टू डेट है एक चैनल ड्रामा के बारे में जिसका नाम है आइस फैंटेसी। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस ड्रामा के बारे में मुझे कमेंट कर करके पूछ के थक चुके हो। अब देखो मैंने इस ड्रामा के बारे में अप टू डेट निकाल लिया है। यह ड्रामा रोमांस फैंटेसी और सुपर नेचुरल पे बेस्ड होने वाली है जिसमें करीब 62 एपिसोड देखने को मिलने वाला है और उसकी लेंथ करीब 45 मिनट के आसपास रखी जाएगी। इस ड्रामा की भी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ये ड्रामा बहुत जल्द हमें एमएसपीआर पे देखने को मिल सकता है। तो देखो अगली अप टू डेट भी एक कोरियन ड्रामा के बारे में है जिसका नाम है ए टाइम कॉल्ड यू। ये ड्रामा एक टाइम टेबल रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड होने वाली है जिसमें करीब 12 एपिसोड देखने को मिलने वाला है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इस ड्रामा की 10वीं एपिसोड की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि सिर्फ 2 एपिसोड बचे हुए हैं और इस महीने भी इस ड्रामा की डबिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। मुश्किल से हो सकता है तो ये ड्रामा हमें जून जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। ऐसे ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है तो इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी होगी। तो ये सब रहे कुछ अप टू डेट जो कि निकल के सामने आई थी और मुझे पता है कि तुम्हें हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते पीते और फूलते रहना।